अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि प्रोग्राम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक हदायत होती है जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और वो फिर कंप्यूटर आपके लिए डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप बटन क्लिक करते हैं कंप्यूटर पर, तो वो आपको एक पॉपअप सा खुल के आ जाता है आपके सामने, आपकी रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो आपके सामने आ जाता है। अब वो कंप्यूटर को प्रॉपरली प्रोग्राम किया होता है कि जब बटन क्लिक होगा तो आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। सिमिलर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है प्रोग्रामिंग। आपकी जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग की होती है, ख़ास किस्म की कोडिंग इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम होता है एक कमांड्स होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर। अब ये कमांड क्या हो सकती है, ये कमांड कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं आप, उसके अलहदा से कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं आप, लॉजिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर या एक एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आप प्रोग्राम्स को एक स्पेसिफिक तौर पर अरेंज करते होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट इस्तेमाल हो रही है, पाइथन हो गया, रूबी एंड रेल्स हो गया, PHP, जावा, C++, C#, .NET, इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर जो खास किस्म की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि आप YouTube पे आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे अभी आप, तो YouTube के जो पीछे बैकएंड पे जो प्रोग्राम किया होता है उसके लैंग्वेज यूज हुई है पाइथन, मतलब पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जो डिफरेंट डाटा को अरेंज कर रही है। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, साथ में आप रिकमेंडेशन देख रहे हैं नीचे, ये सारी एक ख़ास तौर पर प्रोग्राम किया होता है यूट्यूब को, इसके पीछे कोड इस्तेमाल हुआ होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो आज की छूट, इसके अलावा प्रोग्रामिंग रोबोट्स में बहुत सारा इस्तेमाल हो रही है। आपके जो रोबोट्स फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं इनके पीछे प्रोग्रामिंग हुई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो रही होती है। आपके रोबोट्स जो आपकी डिजीज़ को डायग्नोस कर रही होती है उसके लिए प्रोग्राम किया होता है उसको, कि स्पेसिफिक डिजीज़ है उसको कैसे डायग्नोस करना है उसने। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग कार होती है जो गूगल्स की, उसमें भी आप प्रोग्रामिंग की करिश्मे को देख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग के बदौलत ही ये मुमकिन हुआ होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।